पुनः प्रकट हो गई हूँ आप सभी के सामने कुछ 8 यूनिक डेकोर आइडिया लेकर के, जो कि आप अपने घर में सजाएंगे तो आपका घर बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले वेलकम है दोस्तों मेरे चैनल पे, एंड हाँ आप फिर से आ गए हैं क्राफ्ट डीआईवाई वॉइस पे। तो यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत सारे क्राफ्ट से आइडिया शेयर करती हूँ, कुछ कार्डबोर्ड से करती हूँ तो कुछ पेपर से एंड कुछ क्ले से। टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, सुपर क्ले से मैं हर चीज बनाती हूँ। यहाँ पर हम सबसे पहले एक छोटा सा ट्री बना रहे हैं जो कि हम अपने मिरर्स एरिया में रख सकते हैं या तो फिर गेस्ट रूम में रख सकते हैं। मैंने जो यूज़ किया इसके बेस के लिए है वो है प्लास्टिक का ढक्कन, यानी आपके घर में जो भी बॉटल्स आते हैं प्लास्टिक के, आप उसे फेंक देते हैं। फेंकने से पहले एक बार इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही क्यूट सा यूनिक आइडिया है। एंड यहाँ पर मैं जो क्ले यूज़ कर रही हूँ वो है ब्राउन क्ले। इसको आप देख ही सकते हैं मैंने कितने आसानी से इसका शेप दे दिया है यार, ये बहुत ही आसानी से किसी भी तरह से मोल्ड हो जाता है एंड आपको इसको बनाने में मज़ा बहुत आएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुपर सॉफ्ट क्ले होता है एंड इसको बनाने में खेलने जैसी फीलिंग आती है। तो आप लोग घर में से ज़रूर ट्राई करिएगा एंड हाँ अपने बच्चों को भी दे सकते हैं सब के लिए। एंड अगर बच्चा पार्टी देख रहा है तो ट्राई ज़रूर करें। पर मैं कलर्स में शेड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमारे कलर्स होते हैं वो सिंपल कलर्स में देते हैं एंड उसमें हमने देखा ये हुआ पेड़ के कलर्स काफ़ी सारे कलरफुल होते हैं, डार्क ग्रीन से लेकर के लाइट ग्रीन एंड येलो तक के शेड में जाता है। बस उसमें हल्का हल्का क्ले के कलर्स को चेंज करना, मैंने हल्का सा डार्क यूज़ किया इसलिए डार्क ग्रीन हो गया एंड हम इसे लाइट करने के लिए हल्का येलो कलर भी यूज़ करें। तो आप बताइए आपको मेरा ये बनाना ट्रिक कैसा लगा, कॉमेंट में ज़रूर बताएं। कंटिन्यूसली मेरे साथ बने रहें। यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ, कुछ कार्डबोर्ड है जो कि ख़राब हो जाता है हमारे घर में ही रखे रहते हैं वो सब भी चीज़ें, बट हम यूज़ नहीं करते। मैं प्लास्टिक की भी यूज़ करती हूँ एंड हमारे घर में बहुत सारे डिब्बे आ जाते हैं जो कि हम लोग यूज़ कर लेते हैं सामान निकालने के बाद एंड फिर डिब्बे हम लोग फेंक देते हैं। डिब्बे को फेंक ही नहीं घर में रखिए एंड उसके ढक्कन भी जो वेस्ट हो जाता है उसका भी कुछ खराब। प्लास्टिक के ढक्कन के तो बहुत सारे मेरे दिमाग में हमेशा आइडियाज़ आते रहते हैं। टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे मैं आपसे हर चीज़ शेयर भी करती हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मैंने ढक्कन को कुछ बेस की तरह यूज़ किया है जो कि मेरे गार्डन का एक लुक लिया है। यूज़ कर रही हूँ व्हाइट एंड रेड क्ले जिसको मैं मशरूम के शेप में कन्वर्ट कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी तरह से हम इसे इजीली मोल्ड कर सकते हैं, आराम से इसे हम अपने शेप में ढाल सकते हैं। अच्छा, हम इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जैसे कि बैठने के लिए टेबल या फिर चेयर जो भी गार्डन में अक्सर ही रखा जाता है, या फिर ये जो ट्रेन हमारे पीछे से जा रही है। तो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए ये वाला क्राफ्ट। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्राफ्ट। नेक्स्ट क्राफ्ट हमारा शुरू होता है ये क्यूट सा हट जो कि एक गांव का मैंने लुक दिया है। ये गार्डन लुक है जिसमें एक घर है, कुआं है, रोड है और पेड़ है और एक गार्डन का एक बाउंड्री है। इसे बनाने के लिए मैंने यूज किया है कलरफुल पेपर्स जो कि एक लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन में है एंड नेक्स्ट है हमारा बहुत सारे बालू कंकड़। ओके, एंड कलर्स हमने यूज़ में लिए हैं एंड क्ले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो यही है और साथ में मैंने रुई का भी यूज़ किया है एंड वायर। आपको पता चलेगा मैंने कैसे इसे यूज़ में लिया है। सबसे पहले मैं यहाँ घर बनाती हूँ, कंटिन्यूसली मेरी वीडियोस में बने रही है एंड देखते रहिए कि मैं इन सभी चीज़ों को किस तरह से यूज़ में ले रही हूँ। ये जो कार्डबोर्ड हमारे घर में अक्सर ही आ जाता है, गत्ते में कभी शूज़ आ गया या फिर किसी ने गिफ्ट हैम्पर में दे दिया या कोई सामान खरीदने गए तो हमेशा हमारे घर में कार्डबोर्ड आता है और उसे लोग फेंक देते हैं। तो यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड का भी यूज़ किया है एंड आप देखिए मैंने कार्डबोर्ड को किस तरह से यूज़ में लिया है। आप चाहें तो और भी तरीका है कार्डबोर्ड को यूज़ में लेने का। एंड हाँ, अगर आपको और भी वीडियोस देखने हैं मेरी जो कि मैंने बहुत तरह की चीज़ें बनाई हैं, ऑर्गेनाइजर्स भी बना रखे हैं मैंने, तो आप मेरे चैनल पे जाकर ज़रूर देखिएगा, मैंने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बना के। तो आप देख सकते हैं हमारा घर रेडी होने वाला है। यहाँ पर मैंने दो खिड़कियाँ बना दी हैं जिसको नीले क्ले से मैंने यूज़ करके अच्छे से रख दिया है। अब हम इसके ऊपर लगाने वाले हैं छत जो कि पहले के टाइम में आप देखते होंगे लोग कपड़े का घर रहता था लोगों का एंड वो घर कुछ इस तरह से ही आता था। तो यहाँ पर मैंने कुछ इसी तरह से उसे कलर कर दिया है रेड कलर में एंड कपड़े जैसा ही लिख दिया। अब हमारा टाइम आ गया गार्डन बनाने का। गार्डन बनाने के लिए मैंने प्लास्टिक के ढक्कन का यूज़ किया है दोबारा से जो कि मैंने कहा दिखिएगा उसी तरह से एंड फिर मैंने यहाँ पर कुछ कार्डबोर्ड को कुछ इस तरह से कट कर लिया स्क्वायर शेप में एंड यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं इसके साथ स्टेपल कर रही हूँ वो है ग्लू एंड यहाँ पर हम लोग वुडन ग्लू का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टिक हो जाता है आराम से और वो निकलता नहीं है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं रेत बालू कंकड़ इन सभी चीज़ों का यूज़ कर रही हूँ तो ठीक उसी तरह से मैं इन सभी चीज़ों को उससे इस्तेमाल में ली हूँ। यहाँ पर सेम ग्लू में मैंने ग्रीन कलर भी ऐड कर दिया था क्योंकि गार्डन है तो गार्डन ग्रीन होता है
तो बस इसी वजह से। एंड यहाँ पर जो चीजें मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ कमेंट में बताइए, फिर ही बताऊंगी, ऐसे तो नहीं बताने वाली, सीक्रेट है। ओके, तो फिर अब मैंने यूज किया है वायर का। वायर आपको पता होगा घर में बहुत ही सारे तार ऐसे ही खराब खराब पड़े रहते हैं, मैं बस वही खराब तार बहुत सारे कलेक्ट करती रहती हूँ और उसकी ये वाले वायर में निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसके थ्रू आप कैसे भी इसे मोड़ सकते हो। एंड एक तरह से मैं इसे पेड़ का लुक दे रही हूँ, तो आप देख सकते हैं इसे किस तरह से मोड़ना। एंड हाँ, मैं सारी वीडियोस खुद ही मुंह से बोल के नहीं बताऊंगी, कंटिन्यूअसली बने रहिए गाइस, मतलब लास्ट वाले तक तो जरूर ही देखिएगा, क्योंकि लास्ट वाला जो है ना उसमें बहुत प्यारा है। एंड बीच में भी दो चार हैं जो कि अच्छे लगेंगे आपको, बट लास्ट वाला ना सच में बहुत अच्छा है, तो उसे बिल्कुल मिस मत करिएगा। एंड हाँ, कमेंट में आप रैंकिंग के हिसाब से बताइएगा आपको सबसे अच्छा क्राफ्ट कौन सा लगा, एंड फर्स्ट नंबर पे आप किसे रखना चाहते हैं एंड सेकंड नंबर पे आप किसे रखना चाहते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट, ये जरूर बताइएगा, मुझे जानना है यार ये 8 क्राफ्ट में से आपको कौन सा पसंद। यहाँ पर मैं जो यूज कर रही हूँ ये है हमारा रुई, मैंने रुई को कलर कर दिया है, इसे कलर करके मैं 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दी थी, एंड उसके बाद फिर मैं इसे यूज में ले रही हूँ। एंड इसके ऊपर हम लोग जो स्प्रिंकल करने वाले हैं ब्लू से, वो है पेपर जो कि मैंने इस तरह से कट करके रख लिया है, एंड हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा पेड़ हो गया है रेडी। पेड़ को बनाने के लिए मैंने वायर का यूज किया था, एंड यहाँ पर मैंने पेपर्स को कट कर दिया है, कट करके हम इसके ऊपर कर देंगे स्प्रिंकल। एंड हमारा ये सूखने में कम से कम 20 मिनट लगेगा, तो इसे आराम से हम सुखा देंगे। एंड जब ये अच्छे से सूख जाएगा तो फिर से हम कार्डबोर्ड में ऐड कर देंगे। कार्डबोर्ड में ऐड करने से पहले मैंने इस कार्डबोर्ड में हल्का सा छेद किया था जिसमें मैंने फंसा दिया है, एंड पीछे से टेप लगा दिया है, एंड ऊपर से इसमें मैंने सुपर क्लू लगाया है। तो सुपर क्लू लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर कुछ इस तरह से मोरंग डाल देंगे जो कि एक तरह से देसी लुक ले रहा है, मतलब जैसा गांव में आप देखते हैं मिट्टी वगैरह कुआं, तो हम कुछ वैसा ही इसको लुक दे रहे हैं। एंड यहां पर हम इसमें कुछ पत्थर लगा रहे हैं, पत्थर मेरा एकदम ही रियल है जो कि इजीली अगर आपके घर में कहीं भी किसी के भी बगल में या फिर कुछ भी घर वर ऐसा कुछ भी बना है या फिर सामान रखा हुआ है घर पे बना हुआ, तो वहां पर आप देखेंगे कि मोरंग, मिट्टी, बालू, ये सब चीज आपको इजीली वहां से मिल जाएगी। मतलब नहीं भी मिलती तो कलेक्ट कर लिया करिए अगर आप लोगों को क्राफ्टिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है। मैं तो क्राफ्टिंग में इंटरेस्ट रखती हूँ तो मैं अक्सर ही उसे कलेक्ट कर लेती हूँ। एंड देख सकते हैं कुछ इस तरह से मुझे ये किस तरह से हेल्प में आता है। यहाँ पर आप जितने भी देख रहे हैं इससे भी पत्थर मैंने कलेक्शन ही किए हैं सबके। अच्छा, व्हाइट वाला जो पत्थर आपको दिख रहा है ये तो मैंने खुद से बनाया है सुपर क्ले से, तो इसे आप बना सकते हैं। एंड हाँ, जो चीज़ आपके पास नहीं है उसकी जगह आप कुछ और भी यूज़ में ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं जैसा मैंने बनाया सेम वैसा ही बनाइए। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्राफ्ट है मेरा मशरूम हाउस, तो यहाँ पर मैंने इन सभी चीज़ों को यूज़ में लिया है इस क्राफ्टिंग को करने के लिए। तो ढक्कन पे हम कर देंगे कलर, वो भी ब्लू सॉरी ग्रीन कलर। एंड यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर लिया है, एंड उसको मैंने कुछ इस तरह से कलर करके 10-15 मिनट के लिए मैंने उसे धूप में रख दिया है ढक्कन को, ताकि वो अच्छे से सूख जाए। एंड जैसे वो अच्छे से सूख गया, एक्चुअली मेरे यहाँ काफ़ी ज़्यादा धूप था तो आराम से सूख गया, बट अगर बारिश के मौसम में आप बना रहे तो आपको थोड़ा और टाइम लगेगा उससे सुखाने में। तो यहाँ पर मैंने ये उसमें लिया है ग्रास। ग्रास तो यार कहीं भी मिल जाता है, आप किधर से भी उठा सकते हो ग्रास, घर के बगल में होता है। एंड अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते ग्रास तो फिर आप आर्टिफिशियल ग्रास भी ले सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल प्लांट्स ले सकते हैं, उसमें भी लीव्स कुछ वैसे ही होती हैं। एंड मैंने ग्रास ले लिया, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, यह ख़राब बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये ग्रास के ऊपर हम कर रहे हैं कलर, एंड शेप बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमेशा रहेगा, चाहे वो सूख भी जाए फिर भी वो वैसे ही दिखने वाला है क्योंकि इसके ऊपर हम कर रहे हैं कलर। एंड हाँ, ये जो कलर मैं यूज़ कर रही हूँ ये है ऑयल पोस्टर कलर, जो कि आपको ईजिली कैमल का मिल सकता है या किसी भी लोकल शॉप पे आपको मिल जाएगा जहाँ पर स्टेशनरी यूज़ की जाती है। एंड हल्का सा हमने येलो कलर का भी शेड डाला है इसमें। तो यहाँ पर मैं होम्योपैथिक के डिब्बे का यूज़ कर रही हूँ उसको बनाने के लिए। अगर आप लोगों के पास होम्योपैथिक का डिब्बा नहीं है तो फिर आप कोई भी डिब्बा यूज़ में ले सकते हो, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ सेम वही चीज़ें आप यूज़ करें, जो भी आपके दिमाग में आए। आप चाहें तो कोई पत्थर भी यूज़ कर सकते हैं, बस शेप उसका वैसा ही होना चाहिए जैसा मैं यूज़ कर रही हूँ। तो हम यहाँ पे मशरूम हाउस बना रहे हैं, बट मेरा ढक्कन जो था, मेरा डिब्बा जो था काफ़ी छोटा था, एंड उसको हम थोड़ा सा इस तरह से पेपर्स वगैरह ऐड करके इसको थोड़ा सा मोटा एंड खाता पीते घर का बना रहे हैं ताकि हमारा घर थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो इसलिए मैंने इसमें नैपकिन पेपर को ऐड किया है वाटर एंड ग्लू लगा करके। अगर आपके पास नैपकिन पेपर भी नहीं है एंड ढक्कन सॉरी डिब्बा भी छोटा है तो फिर आप पेपर को यूज़ कर सकते हैं, पेपर को गीला कर दीजिएगा, ग्लू ऐड करिएगा, एंड आप कुछ इस तरह से उसे यूज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा मशरूम हाउस का आधा पार्ट तो रेडी हो गया है, एंड अब हमें बनाना है ऊपर का पार्ट जो कि मशरूम रेड कलर में हम बनाने वाले हैं। तो हम सुपर क्ले यूज करने वाले हैं इसको बनाने के लिए, एंड इसको बनाने के लिए हम कुछ इस तरह से सुपर क्ले का
कुछ इस तरह से क्रिएट करेंगे इसमें मशरूम का। तो यहाँ पर मैंने ऊपर से इस तरह से लिया है एक टोकरी जैसा, लेकिन अगर आपके पास नहीं है इस तरह से बाउल का शेप या फिर टोकरी कुछ भी नहीं है तो फिर आप या तो कोई कैप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास कैप भी नहीं है, दिया भी नहीं है, तो फिर आप सीधा सुपर क्ले यूज़ में ले लीजिएगा। बस ध्यान ये रखना है कि सुपर क्ले आपको दो बारी में यूज़ करना है, एक बारी उसका शेप देंगे एंड उसके बाद मशरूम का शेप देंगे जैसा मैं दे रही हूँ। तो यहाँ पर मशरूम का शेप आप दे देंगे, सुपर क्ले आपको ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने पतला सा एक चद्दर की तरह यूज़ किया है सिर्फ। तो आप देख सकते हैं हमारा सुपर क्ले काफ़ी ज़्यादा लाइट कलर में था एंड मुझे चाहिए एकदम चटक लार, ठीक है, दूर से देख में ऐसा चटक सा दिखे, एकदम सुंदर सा दिखे, देख के लगे आई हैव लो रानी। तो उसके लिए हमने यहाँ पर इस तरह से कलर कर दिया था एंड नीचे मैं ग्लू यूज़ कर रही हूँ। ओके, तो ये ग्लू वो वाला ग्लू है जो कि वुड वगैरह अच्छे से स्टिक करता है एंड वो वाला ग्लू है कपड़े वाला ग्लू है। एक्चुअली ये मेरा DIY ग्लू है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है एंड कभी भी निकलता नहीं है, अगर चिपका दो तो चिपक जाता है, तो इसीलिए मैंने उस वाले ग्लू का यूज़ किया है। एंड यहाँ पर अब हमें कुछ खाली खाली सा लग रहा था तो फिर हमने ज़्यादातर कार्टून वगैरह में देखा है कि सुपर क्ले के ऊपर, सॉरी, हमारे मशरूम के ऊपर कुछ डॉट होते हैं बहुत सारे, तो हम वही सारे डॉट्स बना रहे हैं वाइट कलर में एंड हमसे ग्लू के थ्रू एंड वैसे भी नॉर्मली, क्योंकि सुपर क्ले काफ़ी ईजिली चिपक जाता है तो हम उससे वैसे भी चिपका सकते हैं, बट यहाँ पर हमने रख दिया था इसलिए हमारा सुपर क्ले जो सूख गया था इसलिए हमें ग्लू का हेल्प लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमारा हाउस का ऊपर वाला पार्ट तो रेडी हो गया है, लेकिन हाउस में ज़रूरी है कि घर भी एक खिड़की हो, एक दरवाज़ा हो, तो ही लगता है कि वो घर जैसा है। तो यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं एक दरवाज़ा और दो खिड़कियाँ। तो यहाँ पर हमने लिया है ब्लू क्ले एंड वाइट क्ले, क्योंकि हम हल्का लाइट ब्लू कलर दे रहे हैं इसलिए हमने वाइट कलर यूज़ करना पड़ा है इसमें। इस क्राफ्ट को बनाने के लिए हमने पत्थर एंड जो भी ऐसी चीज़ें मिली हैं हमने यूज़ किया, ज़रूरी नहीं आप सामान खरीद के ही लें, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने सुनने में पाया है लोग कहते हैं कि हमारे पास तो सामान ही नहीं है तो हम कैसे बनाएं, तुम्हारे पास बहुत सामान है तुम तो बना ले जाती हो बट हम नहीं बना पाते हैं। तो उसमें यही बात है कि देखो, एक तो हम कलेक्शन करते हैं धीरे धीरे, सामान खरीदते रहते हैं तो हमारे पास काफ़ी सामान हो जाता है, बट एक टाइम पे हम भी ऐसा यूज़ करते हैं कि हमारे पास अभी भी खैर उतनी सामान नहीं है मेरे पास, बट फिर भी धीरे धीरे कलेक्शन करते करते काफ़ी सामान हो गए हैं, बट एक टाइम पे मेरे पास कुछ भी नहीं हुआ करता था, सिंगल पेपर एंड सिंगल पेंसिल, मैं उससे भी क्राफ्टिंग कर लेती थी। तो अगर आपको कुछ भी क्रिएशन करना है तो फिर ज़रूरी नहीं आपके पास बहुत सामान ही हो, एंड हमारे पास तो ग्लू भी ज़्यादा नहीं रहता था उस टाइम पे, हम खरीदते नहीं थे तो हम आटे से या फिर चावल से हम ग्लू बनाते थे एंड फ्रेल हम क्राफ्टिंग कर देते थे। तो एक टाइम पे पेपर्स वगैरह तक को मैंने कलर किया हुआ है एंड कुछ भी मिल जाता था, जैसे ग्रास को अगर आप रब करेंगे ना तो उसमें भी ग्रीन कलर आता है एंड अगर आप पत्तियों को, लीव्स को, फ्लावर के लीव्स को अगर आप रब करेंगे तो उसमें भी उसके खुद के कलर्स होते हैं। तो हमने तो बहुत ऐसे ही करके क्राफ्टिंग की हुई है, तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें हों आपके पास, अगर चीज़ें नहीं भी हैं तो मुझे लगता है कि जब मेरे पास चीज़ें नहीं होती हैं तो उनसे मैं काफ़ी बेहतरीन क्राफ्टिंग कर लेती हूँ एंड मे बी वीडियो उतना अच्छा ना दिखा पाता हो, लेकिन सामने से देखने में सच में बहुत प्यारा लगता है। एंड ये मशरूम हाउस आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएगा। फिलहाल अभी इसमें कुछ चीज़ें बाकी हैं तो चलिए हम उसे भी जल्दी जल्दी ऐड कर देते हैं इसमें, मतलब हमारी खिड़की हमें बाकी लग रही थी तो हमने सोचा चलो इसमें खिड़की भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये क्राफ्ट रेडी हो गया है एंड आपको ये क्राफ्ट कैसा लगा, सच में आपको पसंद आया या नहीं आया कमेंट में ज़रूर बताएगा, बट अगर आप मेरा ओपिनियन देते हैं तो मैं अक्सर ही क्राफ्ट के शॉप पर जाती हूँ एंड वहाँ पे रखे गिफ्ट्स वगैरह को मैं अक्सर ही रेटिंग पूछती रहती हूँ। तो ये जो मेरा क्राफ्ट मैंने जो बनाया मशरूम हाउस, अगर उनके अकॉर्डिंग मैं कंपेयर करूँ तो 500 से नीचे तो ये कतई नहीं बोलेंगे वो लोग, इसे 500 के ऊपर ही बोलने वाले हैं। तो यार इसको बनाने में तो मैंने पैसे भी नहीं खर्चे हैं, तो फिर इतना ज़्यादा प्यारा अगर मैंने क्राफ्टिंग किया है तो आप भी ट्राई करिए ना, मुफ्त में बनाइए कुछ ऐसी चीज़ें जो देख करके आपके फ्रेंड्स या फिर आपके रिलेटिव भी कहें कि यार कहाँ से परचेज किया तुमने। ओके, तो ये वाला क्राफ्ट तो आपने देख ही लिया है, मैंने इन सभी सामानों को यूज़ में लिया है, इसे भी सेम वैसे ही बनाया मैंने प्लास्टिक के गट्टों से और प्लास्टिक के डिब्बे के ढक्कन से। तो यहाँ पर हम यही सारी चीज़ें यूज़ में लिए हैं जो कि आपके घर में ईजिली मिल जाता है एंड ज़्यादातर हाउसवाइफ भी इसे बना सकती है, क्योंकि मैंने इसमें यूज़ किया है डिब्बे घर में जो भी रखे रहते हैं ख़राब हो जाते हैं तो फिर उनके ढक्कन या फिर डिब्बे आप फेंक देते हैं, तो उसे फेंके नहीं उसे रखिए, क्योंकि हर एक चीज़ से मुझे तो हर चीज़ में क्राफ्ट नज़र आता है, जितने भी कबाड़ में तो सब में क्राफ्ट नज़र आता है, मेरा कमरा भरा रहता है इन सभी चीज़ों से, मैं हर चीज़ कलेक्ट करती रहती हूँ एंड सीरियसली मैं आपको बता दूँ
उन सबसे मैं क्राफ्ट भी बनाती हूँ। हर चीज़ चैनल पर नहीं डालती हूँ, लेकिन अगर आपको कोई भी आइडियाज़ पसंद आ रहे हैं या फिर आपके दिमाग में है तो मेरे को ज़रूर बताएगा, मैं आपको उसका एक वीडियो बना करके दे दूँगी। तो ढक्कन वगैरह डिब्बे वगैरह आप लोग रखा रह करिए एंड उससे बनाया करिए। यहाँ पर देखिए मैंने सीधे मोल्डेड क्ले का यूज़ किया है, सॉरी सुपर क्ले का यूज़ किया। आप चाहें तो मोल्डेड क्ले भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि काफ़ी महंगा पड़ रहा है आपको क्ले, तो मैं आपको बताती हूँ आप पुट्टी यूज़ कर सकते हैं, वॉल पुट्टी। एंड उसको आप लीजिए, कुछ नहीं उसमें करना है, आपको सिर्फ पानी ऐड करना है। वॉल पुट्टी में पानी ऐड करिए और उसके डो को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मैट दीजिए, जैसे आप आटा को गूंथते हैं सेम वैसे ही। जितना ज़्यादा आप उसे अच्छे से स्मूथली कर पाएंगे, उतना ज़्यादा अच्छा आपका क्राफ्ट बनकर आएगा। एंड बस आपका काम हो गया तो आप आराम से कुछ भी बना सकते हैं, मतलब ये सब चीज़ें आप उससे भी बना सकते हैं। बस ये है कि इसमें कलर करके रखा हुआ है, आपको कलर करना पड़ेगा उसमें। एंड इसमें भी कलर करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर डिटेलिंग्स ऐड करनी है तो कलर्स के साथ खेलना तो बनता ही है। तो यहाँ पर मैंने यूज़ में लिया है इस तरह से पेड़ का छोटा सा शाखा, जो कि हम यहाँ पर पेड़ का लुक दे रहे हैं उसको। एंड उसके ऊपर मैंने सुपर क्ले को कुछ इस तरह से लगा दिया है, क्योंकि इसमें सुपर क्ले हम लगाएंगे, इसमें लीव्स वगैरह हमें ऐड करना है जो कि वैसे नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हमने इसे ऐड कर दिया है। एंड अब हम इसमें लीव्स वगैरह, फ्लावर्स वगैरह एंड बहुत सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं सुपर क्ले, एंड यहाँ पर हमने इसकी लताएँ बनाई हैं, यानी एक लता वाला जो प्लांट होता है ना, वो पत्तियाँ रहती हैं, लता रहता है, हम वो वाला इसको लुक दे रहे हैं। तो इस तरह से हमने लता बना दी है एंड अब हम इसमें बना रहे हैं पत्ती। इसके लिए तो फिलहाल एक आपके लिए साँचा भी आता है, बट अगर आपके पास साँचा नहीं है तो आप इसे हाथ से भी बना सकते हैं। मुझे हाथ से बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान लगता है एंड हम हाथ से कैसा भी शेप दे सकते हैं, बट अगर हम किसी भी तरह के साँचे की यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम क्रिएटिविटी नहीं ला सकते हैं, क्योंकि उसमें जैसा बना हुआ है हम बिल्कुल वैसा ही पाएंगे उसे। बट इसमें हम अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ इसी तरह से बनाना। एंड यहाँ पर हम सुपर क्ले से ही बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं फ्लावर। इस फ्लावर को कुछ इस तरह से कट्स कर देंगे एंड ये सबसे ज़्यादा सिंपल फ्लावर है अब तक का सुपर क्ले से बनने वाला। तो यहाँ पर हमने इस तरह से सर्कल्स, कुछ इस तरह से गोलियाँ बना लेनी हैं और बीच में हम एक गोली को ऐड करेंगे, इन सभी को साइड साइड में ऐड करके एक फ्लावर का लुक दे देंगे। तो हमने ऐसे ही बहुत सारे फ्लावर्स लेने हैं, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कलर के अकॉर्डिंग जो भी आपको फ्लावर्स चाहिए आप बना सकते हैं। एंड ऐसे बीच में से कट्स मार देंगे हल्का हल्का एंड बीच में हम कोई भी कलर इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने दो कलर ऐड किया है, येलो एंड ऑरेंज, तो हम उसे बीच में कुछ इस तरह से ऐड कर देंगे इसे। एंड ये रेडी हो गया हमारा फ्लावर, आप इसमें पत्तियाँ भी ऐड कर सकते हैं एंड कुछ इस तरह से हम इसे डेकोरेट कर देंगे। सुपर क्ले में भी ना हमने कलर्स को ऐड किए हैं, जैसे कि अगर आपके पास सिर्फ एक ही सुपर क्ले है, वैसे तो परचेस करोगे तो बहुत सारे कलर्स में आ जाते हैं, बट हम अगर 50 रुपीज़ वाला सुपर क्ले ले रहे हैं तो आपको एक ही कलर उसमें मिलेगा। तो जैसा कि हमें पता है येलो एंड ब्लू कलर ऐड करके हमारा ग्रीन कलर रेडी होता है, तो आपको इन्हीं तीन कलर्स के साथ खेलना है, येलो ब्लू रेड। आपको अगर डार्क शेड चाहिए तो आप उसे डार्क दे सकते हैं एंड लाइट शेड चाहिए तो लाइट दे सकते हैं, मतलब येलो शेड आप यूज़ करेंगे येलो एंड ग्रीन, तो फिर धीरे धीरे लाइट ग्रीन के शेड में होता चला जाएगा। ठीक इसी तरह से मैंने बहुत सारे लीव्स वगैरह बना करके इसमें ऐड कर दिए हैं। एंड अब हम बना रहे हैं क्यूट सी प्यारी सी चिड़िया, जो कि हम येलो सुपर क्ले से बना रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सुपर क्ले से खेलना बहुत आसान है एंड इससे तो बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं, बट हम इससे कुछ क्रिएशन तैयार कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को क्राफ्टिंग ज़्यादा हैवी क्राफ्टिंग पसंद नहीं है, नॉर्मली क्राफ्टिंग पसंद है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकती हैं। एंड मुझे नहीं लगता ये बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा आसान है, आपको देखने में लग रही होगी अभी ये टफ है थोड़ा, बट अगर आप इसे बनाएंगे तो मेरे ख्याल से आप मेरे से भी बेहतरीन बना सकते हैं इसे। तो हमारी चिड़िया रेडी हो गई है, अब हम इसमें डिटेलिंग से ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कलर से इनकी आँखें बना रही हूँ एंड इनके चोंच पर मैं रेड कलर कर दूँगी। हाथ से ही कर रही हूँ क्योंकि मुझे बस ऐसे डिटेलिंग्स हल्की हल्की चाहिए थी, दैट्स व्हाई। तो यहाँ पर रेडी हो गए हैं ये दोनों की दोनों, ये मम्मा एंड बेबी है। एंड यहाँ पर हम इसे आराम से स्टिक कर देंगे। फिलहाल हमारा सुपर क्ले सूख गया था इसलिए हमें गोंद का यूज़ करना पड़ा, नहीं तो मुझे ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती किसी भी तरह के ग्लू की। ग्लू जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि मेरा खुद का DIY ग्लू है, आप चाहें तो कोई भी ऐसा ग्लू यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत जल्दी चिपक जाता है। सुपर गन का भी, सॉरी ग्लू गन का भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से चिपका देता है सब चीज़ें। एंड हमने इतने सारे जो भी फ्लावर्स बनाए थे इन सभी को इसमें हम अटैच कर देंगे एंड चिपका देंगे।
तो यहाँ पर रेडी हो गया है। आप कैसा लग रहा है आप जरूर बताइएगा। एंड आप बताइए कि अगर आपको ऐसा कहीं भी ऐसा कुछ दिख रहा है क्राफ्ट, तो ये कितने प्राइस में जाएगा, या फिर ये आप अपने घर में किस एरिया में लगाना पसंद करेंगे, तो आपको ये कैसा लगा। वैसे तो इसे मैंने गेस्ट रूम में लगा रखा है, मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ भी पाई है, तो आप भी ऐसा ही कुछ ट्राई करिए। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्राफ्ट को बनाते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने ट्री ही बनाया है, यहाँ पर भी मैंने दो क्यूट से ट्वीटीज़ को ही ऐड किया है, तो चलिए इसे भी बनाना शुरू करते हैं। तो इस क्राफ्ट को बनाने के लिए हमने यूज़ में लिया है दिया और साथ में डिब्बा, और इन डिब्बे और दिए के हेल्प से हमने इस प्यारे से ट्री को रेडी किया है। एंड हाँ, हमने यूज़ वायर भी किया है। तो सबसे पहले हम दिए और डिब्बे को कुछ इस तरह से टेप के हेल्प से इसे स्टिक कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आपको टेप नहीं पसंद आ रहा है तो आप ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा ग्लू जो कि इन दोनों को स्टिक कर दे। तो यहाँ पर हमने उसे यूज़ में लिया है। एंड उसके बाद फिर हमने सुपर क्ले से इस तरह से कुछ इसे कवर कर दिया है। एंड हम ब्रश के हेल्प से इसमें कुछ ऐसे डॉट्स डाल रहे हैं ताकि ये एक तरह से टेक्सचर इसका बन जाए। एंड आप चाहें तो कोई दूसरा चीज़ यूज़ कर सकते हैं, मैंने ब्रश का यूज़ किया है। एंड यहाँ पर हम ग्रीन कलर इसमें ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर हम ट्री का लुक दे रहे हैं इसे। तो हमें बहुत सारे शेड की भी ज़रूरत थी, इस वजह से हमने नीचे के ब्रांच बनाने के लिए बहुत सारे शेड रेडी किए थे, जो कि लाइट ब्राउन से लेकर के डार्क ब्राउन तक गया है। तो डार्क ब्राउन अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि ब्लैक कलर ऐड करना है आपको डार्क ब्राउन के लिए। एंड अगर आपको लाइट ब्राउन बनाना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा, या तो आप वाइट कलर यूज़ कर सकते हैं या तो फिर आप ऑरेंज कलर यूज़ करिए। तो यहाँ पर पेड़ हमारा रेडी हो गया है। एंड अब हमें इसके ऊपर की पत्तियाँ बनानी है, तो उसके लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे वायर का। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, शेड आपको रेडी करना पड़ेगा ग्रीन का, बहुत सारे शेड मैंने बना लिए हैं। ये सभी शेड मैंने ब्लैक और ग्रीन, येलो, ब्लू, इन सभी कलर के मिक्सचर से मैंने बहुत सारे इसमें शेड ऐड किए हैं। एंड अब हम इसके ऊपर रैंडम तरीके से आपको जैसे जिधर भी आपको चाहिए कि ज़्यादा थोड़ा घना दिखे उधर आप आराम से इसको चिपकाते रहेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा मैं कर रही हूँ वैसे ही आप चाहें तो दूसरा भी लुक इसका तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बस ऐसे ही करके बहुत सारे बॉल्स हैं उसको एक दूसरे से अटैच कर देना है। एंड ये आपको जितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है उतना ही ज़्यादा आसानी से बनाना है। एंड ट्रस्ट मी, आपको इसे बनाते समय खेलने जैसी फीलिंग आएगी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। एंड मैंने दो ट्विटी एंड साथ में छोटे छोटे एग्स भी बना दिए थे। तो ये हमारा रेडी हो गया है प्यारा सा। इसको मैं टीवी के ऊपर लगाना प्रेफर करती हूँ, आप कहाँ लगाएंगे मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्राफ्ट हम बना रहे हैं, एंड ये हम बना रहे हैं पेड़ की शाखा। एंड साथ में इसमें हम बैठाने वाले हैं दो चिड़िया को, यानी मम्मा एंड पापा। तो यहाँ पर हमने ले लिया है इस तरह से डिस्पोजेबल ग्लास, एंड उसको हम स्टिक कर दे रहे हैं इस पेड़ की शाखा से। मतलब हमने पेड़ का छोटा सा तना लिया है एंड उसके ही हेल्प से हम इसे बनाने वाले हैं। ठीक है, कार्डबोर्ड को तो हमने ग्रीन कलर से कलर कर दिया था, एंड उसके ऊपर से हम कुछ टेप की हेल्प से अच्छे से उसको स्टिक कर दे रहे हैं इस कार्डबोर्ड के ऊपर। एंड अब मैं लगा रही हूँ सुपर क्ले, एंड इसको हम कुछ इस तरह से इसके ऊपर पूरी तरह से लगा देंगे। मतलब हम इसे पेड़ का लुक दे रहे हैं, तो हम इसे चारों तरफ से अच्छे से सुपर क्ले में ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें डिटेलिंग्स ऐड करना चाहते हैं तो उसके ऊपर कलर भी कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे काफ़ी सारे शेड बना रही हूँ ब्राउन के ही, एंड उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर कुछ इस तरह से अटैच करूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा पेड़ रेडी हो गया है। एंड अब मैं इसमें डिटेलिंग्स ऐड कर रही हूँ, इसके ऊपर मैं कलर भी करूँगी। एंड कलर्स मैं ज़्यादा महंगा नहीं यूज़ कर रही हूँ, कलर्स 20 रुपये का जो आता है मैं उसी कलर को यूज़ कर रही हूँ। आप भी ईजिली वही कलर ले लीजिए, इसमें कुछ खास ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है। एंड उसका कलर का पिगमेंटेशन अच्छा है, मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा लुक आता है अगर जब भी मैं उससे कलर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं इस कलर का यूज़ कर रही हूँ। अच्छा हाँ, मैं आपको एक बात बता दूँ, दरअसल मैंने इसको यूज़ करते टाइम मेरे पास सुपर क्ले काफ़ी कम थे, इस वजह से आपको देखने में आ रहा होगा कि मैंने कहीं कहीं ऑरेंज कलर भी यूज़ किया है। वो इसलिए क्योंकि सुपर क्ले मेरा काफ़ी कम था एंड एक में काफ़ी कमी आता है, तो उस टाइम में मैंने ऐसे ही यूज़ कर लिया था। एंड इसके ऊपर मैंने कलर कर दिया था। एंड ब्राउन के ऊपर अगर आप ऑरेंज के ऊपर अगर आप ब्राउन कलर कर रहे हैं तो फिर बिल्कुल ही उस कलर में वो ढल जाता है, तो इसी वजह से मैंने इसके ऊपर कलर कर दिया। एंड हल्का सा मैंने ब्लैक कलर भी इसमें ऐड किया है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बना दिया घोंसला। घोंसला बनाने के लिए आप चाहे तो ग्रास का भी यूज़ कर सकते हैं, फिलहाल मैंने कोकोनट के ऊपर का यूज़ किया, उसमें थोड़े थोड़े होते हैं घास जैसे होते हैं, तो मैंने उसका यूज़ किया है। एंड यहाँ पर मैंने उसे अंडे बना दिए, 3 अंडे उसके ऊपर से रख दिया है। एंड अब हम बना रहे हैं चिड़िया।
तो चूड़िया बनाने के लिए हमने यूज किया है सिपर। अच्छा, बैकग्राउंड साउंड को करिएगा हल्का सा इग्नोर, क्योंकि इन पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, ये लोग लगातार बोलते ही जा रहे हैं। तो फिर ऐसा तो कह नहीं सकते कि भाई साहब शांत हो जाओ, क्योंकि मैं दोपहर में इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इस वजह से थोड़ा इग्नोरेंस बनता है। तो यहाँ पर मैं अपने प्यारी सी बर्ड्स की टमी को वाइट कलर कर रही हूँ, एंड इसके बाद फिर हम इसकी बनाएंगे पंख एंड चोंच, और आँख तो हम कलर ही करने वाले हैं क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, अगर आपके पास मोतियाँ हैं ब्लैक कलर में, तो आप आँख की जगह अगर आप मोती लगाओगे ना, थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है वो, तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास नहीं था, दैट से मैंने कलर कर दिया। तो आइज़ पे भी हमने डिटेलिंग्स डाल दी हैं, एंड फिर हम इनके माउथ पे भी डिटेलिंग्स डालेंगे। अच्छा, मैं इनके पंखों पर भी कलर्स कर रही हूँ। अगर आपको ये वैसे ही अच्छे लग रहे हैं, तो आप वैसे ही छोड़ दीजिएगा इन्हें। फिलहाल मैंने येलो कलर्स ऐड किए हैं हल्का सा शेड डालने के लिए। तो यहाँ पर रेडी हो गए हैं मेरे दोनों के दोनों बर्ड्स। तो हम इसे कुछ इस तरह से इसके ऊपर ऑर्गेनाइज कर देंगे, एंड सॉरी एडजस्ट कर देंगे, चिपका देंगे। एंड यहाँ पर मैं जो पत्थर बना रही हूँ, मैंने परचेज बिल्कुल भी नहीं कर रखे हैं, ये मैंने सुपर क्ले से ही बनाए हैं सारे पत्थर। एंड अब हम बना रहे हैं लीप्स, जो कि हाथ से ही बना रहे हैं हम लोग। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मुझे हाथ से लीप्स बनाना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग उसे ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ, अपने अकॉर्डिंग उसे अरेंज कर सकती हूँ। छोटा बनाना है तो छोटा कलेक्शन रख सकती हूँ, बड़ा बनाना तो बड़ा कलेक्शन रख सकती हूँ। बट अगर आप किसी भी सांचे का यूज़ कर रहे हैं, तो फिर वो एक ही जैसा मोल्ड करके आता है, जो कि उसमें आप क्रिएशन ज़्यादा नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पर सेम जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि हम बनाने वाले हैं फ्लावर, सेम वही हम फ्लावर इसमें भी बनाने वाले हैं। वैसे तो बहुत तरह हैं फ्लावर्स बनाने का, मैंने अपने चैनल पर डाल भी रखा है। अगर आपको पसंद है, आप देखना चाहते हैं, तो ज़रूर मेरे चैनल को विज़िट करिएगा। मेरे चैनल पर वैसे भी बहुत सारे क्राफ्टिंग आइडियाज़ हैं जो कि आपको पसंद आएंगे। रिसेंट में मैंने काफ़ी चीज़ें डाल भी रखी हैं। एंड हाँ, कुछ दिनों से मेरे क्राफ्टिंग चैनल पे थोड़े कम वीडियोज़ आ रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, दैट्स वाई। बट मैं रेगुलर कंटिन्यू वर्क करने की कोशिश करूँगी, बट आने वाले टाइम में अभी भी मैं कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत डाउन चल सकती हूँ, तो यार आपकी सपोर्टिंग की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को सपोर्ट करिएगा एंड वीडियोज़ देखते रहिएगा, भूल मत जाइएगा मुझे, क्योंकि मैं बहुत जल्दी ही वापस से आने वाली हूँ, एंड मेरी वीडियो कंटिन्यूसली काफ़ी सारी बनने वाली है। तो यहाँ पर मैंने लीव्स वगैरह ऐड कर दिया है, एंड हमारी प्यारा सा ये क्राफ्ट हो गया है रेडी। तो ये वाला आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, एंड हाँ, अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसा क्रिएशन किया तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फ़ोटोज़ वगैरह दीजिएगा, एंड मेरे से भी बातचीत करिए, बताइए आप कैसे क्राफ्टिंग करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट DIY पर। इसको बनाने के लिए हमने यूज़ लिया प्लास्टिक के ढक्कन का एंड सुपर क्ले डिस्पोजेबल ग्लास। अगर आप चाहते हैं तो प्लास्टिक के ढक्कन का यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप डिस्पोजेबल ग्लास का भी यूज़ कर सकते हैं। उसको कुछ इस तरह से कट कर देना है, एंड कट करके हमें कुछ इस तरह से शेप ले लेना है उसका, एंड फिर हम लेंगे कुछ इस तरह से सुपर क्ले, जिसको इसके ऊपर हम इस तरह से सपल कर देंगे, एंड ये बहुत ईजिली चिपक जाता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड हम स्पून ले सकते हैं या फिर कुछ भी लकड़ी, जिससे हम इस तरह से कुछ डिटेलिंग्स ऐड कर सकें। आप चाहें तो एक ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रश जो थोड़ा ख़राब हो जाता है, घिस जाता है, यूज़ कर सकते हैं ब्रश को भी। एंड अब हम इसके साइड में लगाने वाले हैं येलो कलर, जो कि हम एक तरह से बॉर्डर बना रहे हैं येलो कलर का। तो यहाँ पर हमने उसे लगा दिया है, एंड अब हम इसमें कुछ इस तरह से ऐड करेंगे, बहुत सारे गोलियाँ बनाएंगे, एंड उसका भी हम एक तरह से बॉर्डर ही बना रहे हैं। आप चाहें तो कलर्स दूसरा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मैंने येलो कलर ऐड किया है, मतलब वाइट ग्रीन के कॉम्बिनेशन में जो भी कलर आपको अच्छा लगता है वो कलर का आप बना सकते हैं। तो नीचे वाला हमने एक तरह से आर्टिफिशियल ही लुक दिया है इसे, मतलब रियल से टच ना होता हुआ कुछ ऐसा जो इमेजिनेशन में आता है, हमने कुछ वैसे ही बनाया। अगर आपको ऐसा कुछ भी क्रिएशन इसमें और इंक्लूड करना है, तो आप ज़रूर इसमें ऐड करिएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब हम सुपर क्ले को बना रहे हैं, हम उसी वक्त इस तरह से लकड़ियाँ उसमें ऐड कर दें, क्योंकि अगर ये सुपर क्ले एक बार ही सूख जाता है, तो फिर वो एक तरह से थर्माकोल जैसा हो जाता है, तो फिर आप उसे तोड़ नहीं सकते, या फिर आप उसमें चीज़ें ऐड करने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगे। इस वजह से हमने पहले इसमें लकड़ियाँ ऐड कर दी हैं, ऐड करने के बाद हम कम से कम 5 या 10 मिनट के लिए हम इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। जब ये सूख जाएगा तो उसमें हम फिर ग्रीन कलर ऐड करेंगे, जैसे मैं ऐड कर रही हूँ। इसको बनाने में हमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी, बहुत ही ज़्यादा जस्ट मस्ती में बन गया ये, बट ये देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा था, तो मैंने सोचा आपसे शेयर ज़रूर करूँ। तो यहाँ पर हमने पहले भी ऐसे बहुत सारे क्राफ्टिंग बना रखे हैं, अगर आपको जानकारी चाहिए या फिर आपको देखना है, कुछ आइडियाज़ लेना है, तो मेरे चैनल को एक बार विज़िट ज़रूर करिएगा।
तो यहाँ पर रेडी हो गया है ये वाला। अगर आपको और भी डिटेलिंग्स ऐड करनी है तो ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरे ख्याल में आ रहा है कि मुझे यहाँ पर एक चेयर या फिर ऐसा कुछ कोई लेडी बैठानी चाहिए थी जो कि ग्रास के नीचे बैठ करके आराम से कुछ बुक्स वगैरह रीड कर रही हो। ओके, तो ये लास्ट वाला जो हमने बनाया है, ये वाला मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट अब तक का क्राफ्ट है। ये मुझे बहुत पसंद आया था एंड इसको बनाने के लिए मैंने इन सभी चीज़ों का यूज़ किया है, वायर, पेपर और ये रेत, बालू, कंकड़, कैची, कार्डबोर्ड, कलर, नैपकिन और मिट्टी, ऐसे पाउडर्स, मैंने बहुत सारी चीज़ों को यूज़ में लिया है एंड मैं कुछ इस तरह से इसे बना रही हूँ। अच्छा, साथ में मेरी बहन है राशिदी नाम है उनका, वो भी मेरे साथ काम कर रही हैं इसको बनाने में, मेरी हेल्प करवा रही हैं। तो हम दोनों ने मिलके ही आइडिया ये सोचा था कि हम दोनों ने कुछ ऐसा यूनिक टाइप का बनाने का बहुत टाइम से ऐसा दिमाग में ला रहे थे, तो हमने कहा कि चलो आज ट्राई ही होते हैं। तो मैं और दीदी मिलकर के बना रहे थे इसे। तो यहाँ पर हमने पेपर लिया है एंड पेपर के अंदर हमने कुछ इस तरह से पाइप डाल लिया है क्योंकि हमारा जो कोकोनट ट्री जो है वो हल्का सा लफके रहता है, मतलब झुका सा रहता है एक साइड से, जिसकी वजह से हमें बीच में वायर डालना पड़ा है। बट अगर आपके पास कोई पाइप है तो आप पाइप भी यूज़ में ले सकते हैं, बट हाँ पाइप को थोड़ा चिपकाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो उससे आपको हासिल करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर हम कलर कर दे रहे हैं एंड यहाँ पर मैं बना रही हूँ लीव्स। तो लीव्स आप लोग देखिएगा बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, लीव्स के शेप में से कट करना है, थोड़ा पतला ही कट करिएगा इसे एंड इस तरह से बहुत सारे कट्स लगा देंगे आप तो ये आराम से आपका एक तरह से कोकोनट की तरह पत्तियाँ रेडी हो जाएंगी। एंड आपको एक ही कलर में नहीं बनाना है, काफ़ी पत्तियाँ सूखी रहती हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसी रहती हैं कि ताजी हैं, काफ़ी छोटी छोटी रहती हैं, तो आपको काफ़ी सारे शेप बनाने हैं पत्तियों के एंड काफ़ी सारे शेड भी बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने बना दिए हैं बहुत सारे लीव्स एंड आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से रेडी हो गए हैं ये एंड ये देखने में एकदम ही रियल लग रहे थे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हम इसे ऐड कर देंगे एंड इसे इजीली ग्लू के से ऐड कर सकते हैं। कोई ज़्यादा इसमें हमें लोचे नहीं लेने, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, ईजिली आप इसे ऐड कर सकते हैं इसमें। तो हमने इसे चिपका दिया है एंड ये रेडी हो गया है पूरा का पूरा हमारा कोकोनट ट्री। एंड इसमें हम थोड़ी डिटेलिंग्स भी ऐड करेंगे ताकि अच्छे से हो यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं और दीदी मस्ती भी कर रहे थे काफ़ी और हम यहाँ पे इस तरह से दूसरा भी ट्री सेम एक ही तरह से रेडी कर लेंगे, तो नेक्स्ट ट्री भी बनाते हैं हम लोग। एंड हाँ, अगर आपके पास, अगर आपको आर्टिफिशियल ट्री मिल रहा है किधर भी शॉप पे तो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाथ से बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है इसलिए मैंने हाथ से बनाया है। फिलहाल मैं कैसे भी इसे मोड़ सकती हूँ, उन लोगों का एक ही जैसा होता है तो फिर उतना मज़ा नहीं आता इसमें। और सबसे बेहतर बात यही है, हमें कोई भी ऐसे सामान लेने ही नहीं थे जो मार्केट से आते हैं। हम सोच रहे थे घर से ऐसे सामान लें जो कि ऐसे फेंके रहते हैं, हम कभी यूज़ में नहीं लेते, तो हमने उन्हीं से सभी चीज़ों का यूज़ किया है जो चीज़ें घर में ऐसी फालतू में पड़ी रहती हैं एंड बिल्कुल भी उसका इस्तेमाल नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने कार्डबोर्ड को ले लिया है, ये कार्डबोर्ड ज़्यादातर केक में आते हैं तो फिलहाल मैंने इसे सर्कल में कट कर लिया है, लेकिन केक भी खाते हो लोग तो फिर उसके पीछे जो कार्डबोर्ड रहता है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके ऊपर हमने लगा दिया है नैपकिन और नैपकिन को हम फेविकोल से कुछ इस तरह से चिपका रहे हैं पानी और फेविकोल के हेल्प से। यहाँ पर हम हल्का हल्का सा ऐसा लुक दे रहे हैं कि हमारा जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम समुंदर का लुक दे रहे हैं इसलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर रेत वगैरह डालना शुरू किया है एंड इस साइड में कलर कर रही हूँ। तो रेत वगैरह डालने में हम कई सारे रेत यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हल्का छोटे छोटे रेत से लेकर के थोड़े भारी भारी रेत हमने लिए हैं, थोड़े बड़े बड़े, एंड हम इस तरह से लाइट से थोड़ा हैवी में हम लोगों ने काम किया है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से कलर कर दिया है, इधर मैंने शेड, इधर भी मैंने यूज़ किया है, कहीं डार्क कहीं लाइट कहीं वाइट, इस तरह से मैंने शेड डाले हैं इसमें भी। और यहाँ पर दीदी ने काफ़ी सारे रेडी कर दिए थे और अब हम यहाँ पे पानी का ऐसे एक लहर वाला लुक दे रहे हैं। तो अब तक में मेरा क्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगने लग गया है, एज़ लाइक रियलिस्टिक लगने लग गया है। एंड इसके ऊपर हम इस तरह से पाउडर भी डाल दे रहे हैं, पाउडर डालते टाइम हमें हल्का सा ग्लू की ज़रूरत लगेगा ताकि ये हमारा इस दूसरे पे चिपक जाए एंड ख़राब बिल्कुल भी ना हो। तो बस हमने ऐसे ही कर दिया, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डैप डैप कर रही हूँ मैं ब्लू कलर क्योंकि हल्का सा मुझे लाइट लग रहा था तो इसलिए मैंने इसमें यूज़ कर लिया इसे, क्योंकि समुंदर आप देखते हैं ज़्यादातर काफ़ी नीला सा दिखता है, देख के ऐसा शांति सा फील होता है, तो हमने बिल्कुल वही लुक दिया है। यहाँ पर मैं इसे
टेप के हेल्प से अटैच कर रही हूँ ट्री को, क्योंकि हमने यूज़ में लिया था वायर तो हमारा पेड़ आसानी से मुड़ गया है, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हुई। एंड मैंने आपको बताया था हमने रेत कंकड़ पत्थर लिया हुआ था, तो हम उसे ऐड कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपको कंकड़ पत्थर नहीं मिल रहे हैं तो भी आप परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, आपको सुपर क्ले से भी आप पत्थर पत्थर का शेप बना सकते हैं, तो आप उसी से बना दीजिएगा। एंड डिटेलिंग्स की जगह आप कलर भी कर सकते हैं, तो वो ऐसा ही लुक बन करके आएगा। एंड ये हमारा इतना रेडी हो गया। अब हमें बीच है तो हमें थोड़ा बहुत ऐसा बनाना पड़ेगा कि लगे बीच जैसा चीज़ें, तो यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं अब टेबल एंड चेयर। तो यहाँ पर हम इसे बनाने के लिए सुपर क्ले का यूज़ कर रहे हैं, टेबल एंड चेयर। और यहाँ पे दीदी भी थोड़ी डिटेलिंग्स यूज़ कर रही हैं, मतलब ऐड कर रही हैं। एंड हमें यहाँ पे पत्थर वगैरह बहुत सारे मिल गए थे, एंड हम लोग ऐसे ही घूमने निकल गए थे बाहर के साइड में, क्योंकि हमें बनाना था कुछ क्राफ्टिंग जिसके लिए हम लोग घूमने निकले थे, तो हमने ये सारे पत्थर वगैरह सब कलेक्ट कर लिया था। एंड बस हम लोग कुछ इसी तरह से बना रहे थे। यहाँ पर मैंने मेज बनाया है, एंड मेज को बनाने के लिए मैंने काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें बनाई हैं। एंड सच में इसको बनाते टाइम ऐसा लगता है जैसे हम खेल रहे हैं, मतलब जैसे बचपन में हम लोग मिट्टी से खेला करते थे कभी कभार, तो बस वैसा ही इसमें फील आता था। अच्छा, आप लोग मेरे को बताओ किस किस ने ऐसा काम किया है, मतलब मेरे जब भी आता था दिवाली वगैरह तो हम लोग मिट्टी का घर बनाते थे। एंड जैसे हमारा घर सजता था ठीक उसी तरह से हमारा खुद का बना छोटा सा मिट्टी का घर, वो भी हम सजाते थे दिए से लाइट से। आप में से किसने ऐसा किया है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं। एंड मैं तो भाई बहुत सुंदर मेरा घर सजाती थी, बनाती तो खैर मिट्टी से थी लेकिन उसमें कलर और पुट्टी वगैरह सब लगाती थी, जिससे कि सबसे ज़्यादा खुशी होती थी लक्ष्मी माँ हमारे घर में भी आए। तो उसके लिए मैं उस घर में बहुत सारी चीज़ें ऐड करती थी, जैसे कि छोटे छोटे गमले बनाना, सीढ़ियाँ, छत, हर चीज़ बनाते थे। और हर साल मेरा ऐसा रहता था, आप लोगों में से भी किसने किया ये काम ज़रूर बताएगा, मतलब हमारा घर तो सस्ता था लेकिन हमारे घर में अगर लाइट ना जले तो हम पापा को छोड़ते भी नहीं थे, हमारे घर में लाइट जलना बहुत ज़रूरी है। ये तो रही बचपन की बातें, तो यहाँ पर मेरा क्राफ्ट हो गया है रेडी, दो चेयर और एक टेबल मैंने बना दिया है। तो आपको ये क्राफ्ट कैसा लगा मुझे कॉमेंट में बताएगा। एंड आप लोग क्या बताऊँ मैं, मेरे को ये बहुत पसंद आ रहा था यार, सच में ये मुझे अब तक का सबसे बेस्ट क्राफ्ट मेरे को ये लगा है, मतलब मैंने जितने भी क्राफ्टिंग बनाया इस तरह से तो ये मुझे सबसे प्यारा लगा है। एंड इसको मैंने टेबल पे रखा है यार, मतलब जब भी इसको देखती हूँ ना बहुत ज़्यादा अच्छी वाली फीलिंग आती है मेरे को, ऐसा लगता है बीच पे पहुँच गए क्या, तो बहुत सुंदर लगता है। एंड आपको भी कैसा लगा बताइएगा, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगा है, बहुत आसानी से बनता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय यार गाइस, फॉलो भी कर लेना, बाय बाय।